गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लेवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा बैलेंस डिसऑर्डर्स के बारे में। जब बैलेंस डिसऑर्डर की मैं बात करता हूं तो वास्तव में बात करता हूं जो आपको चक्कर आते हैं। कभी कभी कुछ लोगों को चक्कर आना इतनी कॉमन प्रॉब्लम है जो उनकी डे टू डे लाइफ को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करके चलती है। जो चक्कर आना है कभी कभी सीरियस प्रॉब्लम का इंडिकेशन हो सकता है, कभी कभी माइनर प्रॉब्लम का इंडिकेशन हो सकता है। तो जो बार बार आपको चक्कर आते हैं जिससे आपका बैलेंस बिगड़ता है, आप चलते हैं तो आपको सपोर्ट लेना पड़ता है, आपको लगता है कि आप घूम रहे हैं गिर जाएंगे, ये जो बैलेंस डिसऑर्डर्स होते हैं इनको आज हम साइंटिफिकली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। नाउ सबसे पहले एट द आउटसेट मैं आपसे आपको सलाह दूंगा कि देयर आर सर्टेन एरियाज जो इमरजेंसी की कैटेगरी में आते हैं। अगर चक्कर के साथ में ये चीजें हैं तो आपको तुरंत ही हॉस्पिटल जाने की जरूरत है या अपने डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करने की जरूरत है। अगर चक्कर एकदम सडन ऑनसेट आए कि बिल्कुल अचानक ही आ गए, आपकी एज ज्यादा है, एल्डरली है, बियॉन्ड 60-65 ईयर एज है, और इस चक्कर के साथ ऐसा लगता है कि एक हाथ नहीं उठ रहा है, या आपको लग रहा है कि एक तरफ का जो चेहरा है वो चल नहीं रहा है, या इसमें सेंसेशंस चले गए हैं, तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है या हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, या चक्कर के साथ आपको लग रहा है कि विजन लॉस हो गया है या दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है या हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। और अगर आपको एंड आपके परिवार वालों को लगता है कि चक्कर के साथ आपकी जो आवाज है वो लड़खड़ा रही है, स्पीच में स्लरिंग आ रही है, एंड सडन ऑनसेट पेनफुल हेडेक हो रहा है जो बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, तो आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। तो बैलेंस डिसऑर्डर में ये आउटसेट मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सिम्टम्स पर ध्यान दें, अगर ये एसोसिएटेड है तो सबसे पहला काम हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। नाउ लुक एट द कॉजेज ऑफ द बैलेंस डिसऑर्डर, कब आपको चक्कर आते हैं और क्यों आते हैं। नंबर वन इज द मोशन सिकनेस। बहुत लोग ऐसे हैं जब कार में ट्रेवल करते हैं तो चक्कर, किसी नाव में बैठे, क्रूज में बैठे तो चक्कर, एरोप्लेन में बैठे तो चक्कर, ट्रेन में कभी कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, वास्तव में आपको डिजीनेस की फीलिंग आती है, और जैसे ही आप उस व्हीकल से बाहर आए और आप खुली हवा में आए और ये चक्कर खत्म हो जाते हैं। दिस इज बेसिकली मोशन सिकनेस। अगर मोशन सिकनेस है तो जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो आपको दूर कंसंट्रेट करने की जरूरत है। इसका मतलब है आगे की सीट पर बैठे और दूर कंसंट्रेट करें। दूर अगर कंसंट्रेट करेंगे तो चक्कर नहीं आएंगे। आप अपने हेड को स्टिल करिए, ज्यादा चुनस सिर को इधर उधर हिलाने की जरूरत नहीं है तो चक्कर नहीं आएंगे। इसके अलावा ट्रेवल करने के पहले स्ट्रॉन्ग स्मेल, ग्रीजी फूड, कैफीन, अल्कोहल, इन चीजों को मत इस्तेमाल करिए। पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि मोशन सिकनेस नहीं होगी। द सेकंड वन इज द हेड इंजरी। अगर किसी भी कारण से आपको पहले या अभी कभी भी सिर में कोई चोट लगी हुई है, जो चोट है वो किसी भी किस्म की अगर सिर में है, तो जो बैलेंस डिसऑर्डर है इज ए वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम। जो कॉमन प्रॉब्लम है बैलेंस डिसऑर्डर की या चक्कर आने की, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपको सिर में चोट लगी, उस चोट के चलते आपको कान में चोट लग गई, वो कान में चोट लगी तो बैलेंस डिसऑर्डर या चक्कर की प्रॉब्लम होगी। अगर आपको सिर में चोट लगी, आपके विजन में डिस्टर्बेंस हुआ, तो आपको चक्कर आने की प्रॉब्लम होगी। आपके ब्रेन में बहुत सारे एरियाज हैं जो वास्तव में आपका मूवमेंट कंट्रोल करते हैं, उन एरियाज में अगर कोई डैमेज हुआ है आपको चोट लगने के चलते, तो चक्कर की प्रॉब्लम आएगी। तो अगर वास्तव में आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको बैलेंस की प्रॉब्लम है, तो आप ध्यान से देखिए कि कहीं आपको सिर में चोट तो नहीं लगी हुई है, और कभी अगर आपको चोट लगी थी तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए। द नेक्स्ट वन इज द मीनियर्स डिजीज। ये डिजीज है वास्तव में, ये कभी कभी सीरियस वर्टाइगो कर सकती है। ये जो वर्टाइगो है या चक्कर है 20 मिनट से लेकर कई घंटे तक चल सकता है। इसमें आपका जी मिचलाएगा, उल्टी होगी, इसके साथ में जो कान है उसमें सी सू सू की आवाज आएगी, कभी कान से सुनाई देने की प्रॉब्लम होगी, और आपको दोनों कानों में ऐसा लगेगा कि बहुत वजन या प्रेशर की फीलिंग है। तो जो मीनियर्स डिजीज है ये कॉमन नहीं है, अनकॉमन है, बट इट्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन फॉर वर्टाइगो या चक्कर आने का बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है। नाउ लुक एट द बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो, जिसे कहते हैं BPPV। दिस इज बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो। ये बिनाइन कंडीशन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट
इसके जो सिम्टम्स हैं वो कभी कभी बहुत ट्रबलसम हो जाते हैं। ये वास्तव में जो वो हमारा कान होता है उसमें एक फ्लूड फिल्ड कैनाल होती है जिसके चलते जो ना हमें सुनाई और बैलेंस का जो आई मीन मेंटेन करते हैं, ये उसमें कभी अगर प्रॉब्लम हो जाए तो बीपीपीवी डेवलप हो जाता है या बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो डेवलप हो जाता है। ये वास्तव में कुछ मिनट से लेकर घंटों चल सकता है। एंड यूजुअली ऐसा माना जाता है कि कभी दवाइयों की जरूरत पड़ती है, बट ऑन एन एवरेज ये अपने आप ही समय के साथ ठीक हो जाता है। नाउ लुक एट द पेरिलिम्फ फिस्टुला। हमारा जो कान है वास्तव में उसमें दो एरियाज होते हैं, एक जो एरिया है जिसमें एयर होती है और एक एरिया होता है जिसमें के फ्लूड होता है, लिक्विड होता है। तो जो एयर फिल्ड मिडिल ईयर होता है एंड जो ना हमारा एक कैनाल होती है जिसके अंदर होती है। बैलेंस प्रॉब्लम खड़ी होती है अगर आपके सिर में कोई चोट लग जाए और चोट लगने के चलते जो मिडिल ईयर है और इनर ईयर के बीच में कुछ कनेक्शन हो जाए। अगर ऐसा हो तो कान लगातार ऐसा फुलनेस की फीलिंग आएगी, रिंगिंग की फीलिंग आएगी, लाउड नॉइज के लिए सेंसिटिविटी हो जाएगी, इन चक्कर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो पेरिलिम्फ फिस्टुला इज वन ऑफ द रीजन फॉर बैलेंस डिसऑर्डर। नाउ लुक एट द लैबिरिंथाइटिस। ये बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले समझिए कि लैबिरिंथ है क्या। जो लैबिरिंथ है ये कान के अंदर होती है, ये हमारा बैलेंस बनाने के लिए जिम्मेदार है। अगर इसमें कोई भी इंफेक्शन हुआ जो यूजुअली वायरसेस के चलते हो जाता है, कोल्ड के चलते हो जाता है, और ये फ्लूड फिल्ड जो चैनल है वास्तव में अगर इन्फेक्ट होती है तो इसमें स्वेलिंग आ जाती है। अगर इसमें स्वेलिंग आएगी तो ये हमारे ब्रेन को कंफ्यूज करती है और हमारे ब्रेन को कंफ्यूज करेगी तो चक्कर आएंगे और बैलेंस आपका पूरा गड़बड़ जाएगा। इसके अलावा अगर लैबिरिंथ में इंफेक्शन हुआ तो फीवर आएगा, वॉमिटिंग होगी, सुनाई देने में दिक्कत होने लगेगी और कान में बहुत सीटियों जैसी आवाज आएगी। तो अगर चक्कर के अलावा ये सब चीजें भी हो रही हैं तो आपको समझने की जरूरत है कि कहीं लैबिरिंथ में इंफेक्शन तो नहीं है, जिसे कहते हैं लैबिरिंथाइटिस। और लैबिरिंथ वास्तव में कान के अंदर की वो कैनाल है जो बैलेंस को मेंटेन करने का टाइम वो रखती है। नाउ लुक एट द माइग्रेन। जो माइग्रेन है उसकी एक वेराइटी है जिसे कहते हैं वेस्टिबुलर माइग्रेन। जो माइग्रेन है उसमें वास्तव में खाने की चीजें, स्ट्रेस या बहुत सारे दूसरे कारण ऐसे होते हैं जो वास्तव में वेस्टिबुलर जो नर्व है जो हमारे कान से ब्रेन में जाती है इसमें इन्फ्लेमेशन कर सकते हैं। और अगर इसमें इन्फ्लेमेशन करेंगे तो आपको चक्कर आएगा और बैलेंस पूरा बिगड़ जाएगा, डिजीनेस होगी, इस चक्कर के साथ नौशिया होगा, कभी कभार वॉमिटिंग आने का डर रहता है और साउंड एंड लाइट से बड़ी सेंसिटिविटी हो जाती है कि बड़ा शोर सुनाई देता है या चमकदार लाइट्स दिखाई देती हैं। इन वास्तव में कभी कभी ये जो प्रॉब्लम है काफी परेशान कर सकती है। ये वो है तो माइग्रेन का पार्ट, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको सिर में दर्द हो, सिर्फ चक्कर और ये जो नौशिया है यही ज्यादा परेशान कर सकते हैं। The next one is the vestibular neuronitis. जो vestibular nerve है ये वास्तव में is the nerve जो हमारे कान से हमारे brain को जाती है। ये जो nerve है हमको हमारा जो सुनाई देने का system है and balance दोनों को एक control करके चलती है। अगर इसमें कोई भी infection होगा तो vestibular nerve में swelling आ जाएगी। अगर जो swelling आएगी usually viruses के कारण आती है। अगर ऐसा होगा तो dizziness होगी, जो चलते हैं आप तो लड़खड़ाएंगे, एक नौशिया की फीलिंग आएगी। इन ये वास्तव में उस तरह की प्रॉब्लम है जो बैलेंस डिसऑर्डर को लेकर चलती है। इट इज नॉट नेसेसरी कि सुनाई देने में दिक्कत हो या कानों में सीटियां बजें, लेकिन वर्टिगो या बैलेंस मेंटेन करने की जो प्रॉब्लम है इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम। नाउ बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं जो चक्कर लेके चलती हैं जो हमें समझना चाहिए। नंबर वन इज द पार्किंसोनिज्म, जो कंपन का रोग है जिसमें कंपन आ जाते हैं, आपका बैलेंस गड़बड़ाता है, आप छोटे छोटे कदम चलने लगते हैं। तो एजिंग के साथ में जो पार्किंसोनिज्म है वो वास्तव में बैलेंस डिसऑर्डर लेके आता है जिसमें आपको चक्कर आने लगते हैं एंड आपका गेट अनस्टेडी हो जाता है। तो पार्किंसोनिज्म इज द वन। द सेकंड वन इज द मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जो इस तरह की प्रॉब्लम लेके आती है। जो कॉमन रीजन है दिस सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जो हमारे गर्दन में जो स्पाइन है, जो वर्टिब्रे होते हैं, इनमें अगर हल्की सी स्पॉन्डिलाइटिस है तो वो कभी कभी वर्टिगो लेके आती है या बैलेंस की जो प्रॉब्लम है उसको लेके आती है। लेकिन जो बैलेंस डिसऑर्डर है या चक्कर आने की प्रॉब्लम है या जो वर्टिगो है वो सिर्फ बीमारियां नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप जो मेडिसिन यूज करते हैं वो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम लेके चलते हैं, बहुत सारी डिप्रेशन की दवाइयां हैं जो चक्कर लेके आती हैं, बहुत सारी एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस हैं जो आप
आई मीन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए लेते हैं या साइकेट्रिक प्रॉब्लम के लिए लेते हैं, वो चक्कर लेके आती हैं। बहुत सारी मिर्गी की दवाइयां एंटी कन्वल्सेंट्स वो चक्कर लाने की ताकत रखती हैं, पर्टिकुलरली दी फेनिटोइन ग्रुप। बहुत सारी जो ब्लड प्रेशर की दवाइयां हैं वो कभी चक्कर लेके आती हैं। तो अगर आप बहुत मेडिकेशन कुछ यूज कर रहे हैं, यू नो, आपको चक्कर परेशान कर रहा है या बैलेंस जो है डिसऑर्डर परेशान कर रहा है, तो वास्तव में अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। तो जहां तक वर्टाइगो का सवाल है या चक्कर का सवाल है या बैलेंस नहीं मेंटेन होने की जो प्रॉब्लम है, इसे वर्टाइगो कहते हैं। जो वर्टाइगो है वास्तव में एक सिम्टम है, वर्टाइगो किसी बीमारी का नाम नहीं है। वर्टाइगो सिर्फ इस चीज को इंडिकेट करता है कि आपके चारों तरफ की चीजें घूम रही हैं, या कभी आपको ऐसा लगेगा कि आप खड़े हैं लेकिन अंदर से ब्रेन घूम रहा है। तो वर्टाइगो वास्तव में एक फीलिंग है और एक सिम्टम है। ये आपका जो बैलेंस है उसको अपसेट करता है। ये वास्तव में आपको नौशिया प्रोड्यूस करता है, वॉमिटिंग कर सकता है। ये बैलेंस इतना अपसेट करता है कि आपको चलने में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको सपोर्ट लेना पड़ सकता है, अदरवाइज आप गिर जाएंगे। जो वर्टाइगो है या बैलेंस डिसऑर्डर है या बैलेंस की प्रॉब्लम है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं जैसे मैंने अभी आपके सामने रखे। बट द मोस्ट कॉमन थिंग्स जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि ब्रेन के बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जो वर्टाइगो या बैलेंस डिसऑर्डर लेके आते हैं। ईयर की बहुत सारी प्रॉब्लम है जो वर्टाइगो या बैलेंस की डिसऑर्डर लेके आती हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है जो वर्टाइगो या बैलेंस डिसऑर्डर लेके आती है। हाइपरटेंशन एज सच वर्टाइगो या बैलेंस डिसऑर्डर लेके आती है। इन बहुत सारी मेडिसिंस जो आप यूज करते हैं वो कभी कभी चक्कर, वर्टाइगो या बैलेंस डिसऑर्डर लेके आती हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें, जो बैलेंस की प्रॉब्लम है या चलने में जो आपको चक्कर आते हैं, वो कभी कभी इमरजेंसी हो सकते हैं, जिसके लिए आपको तुरंत हॉस्पिटल या डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। इसके जो रीजंस हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि जो चक्कर है ये सिम्टम है। चक्कर वास्तव में किसी बीमारी का नाम नहीं है। जो चक्कर आते हैं, बैलेंस में प्रॉब्लम होती है या वर्टाइगो होता है, ये ब्रेन से हो सकता है, ये कान से हो सकता है, स्पाइन से हो सकता है, ब्लड प्रेशर से हो सकता है, ये मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो सकता है। अगर बैलेंस डिसऑर्डर्स या वर्टाइगो, उसको समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है, तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। थैंक यू वेरी मच।